Good morning, student. How are you? Today we will start our English class. Okay. Here is your English grammar book. Okay. Now, chapter number 1. Vowel and consonant. I write here chapter number 1. Vowel and consonant. बच्चों आपको पता है vowels and consonant क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन. जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना वैसे ही. अब हम इन्हें रीड करेंगे फर्स्टली, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. रीड एंड एंजॉय दिस पोयम. आई एम इन द जंगल ऑन ए बनाना ट्री. डू यू वॉन्ट टू कम एंड प्ले. आई विल ब्रिंग अ फ्रेंड और टू. ए जिराफ एंड अ बी. We will play until it is time for bed. बेटा यहाँ अल्फाबेट लिखा ना A to Z. जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है अल्फाबेट आप जानते हो ना A B C D A to Z. अब इन अल्फाबेट में से हम वॉवेल्स कौन से हैं ये पढ़ेंगे. ओके आपको पता है वॉवेल्स क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं? वॉवेल्स वो होते हैं जिनके द्वारा हम हमारे लेटर्स शब्द बनाते हैं. A E I O U. ये कितने लेटर है? 5. ओके स्टूडेंट रीड दिस. अगेन रीड. A E I O U. ये हमारे स्वर है वॉवेल्स है. नाउ हियर इज कॉन्सोनेंट. V C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z. ये कितने 21. अब आपको ये से ऑनली यही समझना है जितने अल्फाबेट हैं उसमें से आपको A E I O U इनके अलावा जो आए साथी के जितने भी अल्फाबेट बचते हैं लेटर्स बचते हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट है. अब आप ये जो एक्सरसाइज इसकी टर्न योर पेज पेज नंबर 2. लुक एट दीज पिक्चर. इन चित्रों को आपको देखना है. चूज ए वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट इट अंडर इट्स पिक्चर. बेटा अपनी बुक ओपन करके पेज निकालो और पिक्चर देखो. व्हाट इज द फर्स्ट पिक्चर? फर्स्ट पिक्चर इज अल्फाबेट. ये कौन सा अल्फाबेट से स्टार्ट है? ई से. ई फॉर एलिफेंट. सेकेंड यस अम्ब्रेला. यू फॉर अम्ब्रेला. नाउ थर्ड आंट. ए फॉर आंट. फोर आउल. ओ फॉर आउल. फिफ्थ आई. आई फॉर इग्लू. नाउ हियर इज द पिक्चर. बच्चों आपका वर्क क्या है? English grammar read chapter number 1 and do page number 2 in book. आपको ये पूरा पेज अपने बुक में फिल करना है सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में. ओके स्टूडेंट क्लासेस ओवर.